शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब दुल्हन को ओपन लगाओ। रुको, जब आपने काव्या को अपनी बेटी मान ही लिया, तो सबसे पहले ओपन आप ही लगाएं। दादी माँ, ये आपकी तस्वीर के साथ ये कौन है? ये करण के पिता और हमारे बेटे हैं। सर, मैडम निकलने के लिए तैयार हैं। तब से आपके हाथ के जलने की खबर सुनी है ना? यहाँ अम्मा, यहाँ अजीब सा दर्द हो रहा था। ये खबर तुम्हें किसने दी? तुम्हें ये खबर किसने दी? क्या कह रही है अम्मा? एक बेटे को अपनी माँ के दर्द का पता किसी की खबर देने से चलेगा? माँ, माँ बेटे का दिल का रिश्ता है, दिल का कनेक्शन, हमारा खून का रिश्ता है। चोट आपको लगती है ना, तब समय होता है अम्मा, मैं होता। इस घर में तो अब तक सिर्फ ड्रामा देखा है, लेकिन आज आज तो मेलो ड्रामा हो रहा है। लवली, तुम्हारे इन घड़ियाली आंसुओं से हम नहीं पिघलने वाले। निकल जाओ यहां से। तुम्हारे लिए इस हवेली के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। क्या है यार, इतनी एक्टिंग करने के बाद भी इनका ड्रामा फ्लॉप हो गया। अम्मा जी, अम्मा जी। अम्मा, अगर आप फैसला नहीं बदलेगी ना, तो हम और मैन का आपके सामने हाथ बंधा दे देंगे। मैं क्यों? ये केरोसिन, ये केरोसिन डाल के हम अपने आप को आग लगा लेंगे, कह रहे हैं हम। अरे क्या कर रहे हो, रुक जाइए। ड्रामा नकली है, लेकिन रॉब्स असली यूज कर रहे हैं भानु जी। क्या बात है, देखते हैं अब आग लगेगी या नहीं। यकीन नहीं आ रहा है आपको? यकीन नहीं आ रहा है ना? ये देखिए, लगता है अब इस ड्रामे में मुझे गेस्ट एंट्री लेनी होगी। आग तो मैं लगाऊंगा। क्या हो गया इनको? ड्रामा करते करते कहीं सच में ना जला दे। चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो भीग चुकी है भानु जी। भीग चुकी है, आग नहीं लगी। हाँ। तो चलिए, आग लगाने में मैं आपकी मदद कर देता हूं। इस आग ना जलने का एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या क्या सॉल्यूशन? मेनका जी, ये लीजिए। अरे कम ऑन भानु जी, थोड़ी बहादुरी दिखाइए, मौत का सामना कीजिए। रुको,
क्या भवानी जी आप, आज तक आपने भानु जी को कोई काम अच्छे से नहीं करने दिया, कम से कम चैन से मरने तो दीजिए। तुम्हारे जैसा पत्थर दिल इंसान माँ की ममता क्या जाने। तुम्हें तो हर चीज में हंसी ठिठोली ही दिखाई देती है। अपने औलाद से मां कितनी भी घृणा करे, मगर वो अपने औलाद को अपने आंखों के सामने जलते हुए नहीं देख सकती। भवानी जी, मैं भी एक मां का बेटा हूं और शायद आप नहीं जानती कि एक बेटा अपनी मां के लिए क्या कुछ कर सकता है। वैसे आप दोनों की तारीफ करनी पड़ी, मौत को इतने सामने इतने करीब से देखने के बावजूद आप लोग दोनों डरे नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को एक और मौका देता हूं इस हवेली में रहने का। अच्छा पर एक शर्त है। जी हाँ, आप इस हवेली में बेटा और बहू की हैसियत से नहीं बल्कि मेरे गुलाम की हैसियत से रहेंगे। बोलिए। मेरी गुलामी मंजूर है? देखिए मंजूर है। गुड। और आप भी ठीक ठाक लग रही हैं। रस्म शुरू होने में काफी देरी हो चुकी है, नीचे आ जाइए। पंद्रह मिनट है, मिलता हूं आप लोगों को नीचे। और आप लोग दोनों तैयार होकर नीचे आइए। थैंक यू। गुड। क्या कमाल की चाल सोची हमने, साथ देनी पड़ेगी हमारे दिमाग की। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ये बताइए आगे क्या करना है। ऑर्डर क्या हुआ? होना क्या था? तुम्हारे बाप ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारी दादी मना ही नहीं कर पाई और हम दोनों इस हवेली में घुसने में कामयाब ही हो गए। शाबाश डैड। अब हमें अपने अगले प्लान पे फोकस करना है। आपको पता है ना आज रात आपको क्या करना है? हाँ हाँ बेटा पता है। ये बताओ सना को क्या कहेंगे? आपको सना की टेंशन छोड़ दीजिए, सना को तो मैं संभालूंगा। वार्तालाप समाप्त। इस कुनाल ने तो हमें दोबारा फंसा दिया, अब फिर से हल्दी की रस्म शुरू करनी होगी। अगर वो इसी तरह हमें लगातार बिजी रखेगा तो फिर हम डिनर के टाइम पे उसकी ड्रिंक में नींद की गोली कैसे मिलाएंगे? कहीं ये प्लान भी फेल ना हो जाए। इस बात का डर तो मुझे भी है। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो हम डिनर के पहले कर पाए। परेशान मत हो, महादेव जब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता अवश्य खोलते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा अगर हम अपनी आंखें खुली रखेंगे तो। देखना, हमें कोई ना कोई मौका जरूर मिल जाएगा। कौन से मौके की बात कर रही हो काव्या? चाची जी समझ गए, एक बार फिर से शादी करके
एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की मौके की बात कर रही थी ना तुम। वैसे काव्या, तुम्हारा ये फैसला सुनकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। आयुष्मान, समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से माफी मांगूं। अनजाना में मैंने बहुत कुछ बोल दिया तुम्हें, हो सके तो हमें माफ कर देना प्लीज। ठीक है, चलें काव्या नीचे हॉल में, कुणाल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आइए आइए, चलिए रस्म शुरू करते हैं। चलिए रस्म शुरू करते हैं। आइए बैठिए भवानी जी। भवानी जी रस्म आप शुरू कीजिए और टेंशन मत लीजिए, उपतन मैंने खुद चेक किया है, एकदम प्योर वाला है। हम मिठाई लेकर आते हैं। मिठाई खाइए। कुछ मिक्स तो नहीं किया? एकदम फ्रेश बनाई है। अम्मा जी लीजिए। बढ़िया, चलिए आयुष्मान को हल्दी लगाइए। लीजिए आयुष्मान को हल्दी लगा दीजिए। तो हल्दी की रस्म खत्म हुई, तो आप दोनों फ्रेश होकर जल्दी से वापस नीचे आइए। ये तो हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दे रहा, अब क्या करें? रुको, भानु जी और मेनका जी इनकी पहरेदारी करेंगे।
भवानी जी आप आइए मेरे सामने बैठिए। चलिए हाय पूजा। ये कुणाल हमें सामने बिठा के क्या प्लान करने वाला है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पूजा सेलिब्रिटी डिजाइनर स्टोर से तुम्हारे लिए बहुत सारी शेरवानी के ऑप्शंस मंगवाए। पूजा तुम्हें सारे ऑप्शंस दिखा देगी, उनमें से एक चुनने हैं। और हाँ, फिटिंग की टेंशन मत लेना, तुम जो भी सिलेक्ट करोगे फिटिंग उसके हिसाब से हो जाएगी। काव्या जी का तो मुझे समझ में आता है कि उनकी दूसरी शादी है, इसलिए उनका एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम है, लेकिन तुम और तुम्हारी तो पहली शादी है, तो थोड़ा मुस्कुराओ यार। गुड, यही सही मौका है। तुम किसी तरह कुणाल को इन शेरवानियों में उलझा कर रखो, तब तक मैं उसके रूम में जाकर हवेली के पेपर्स ढूंढ लूंगी। तो 2 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है, पर पहुंचते ही मुझे कॉल करना। और एक बात का ध्यान रहे, मैडम को एकदम ध्यान से लेकर आना। आयुष्मान आओ। सर एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? सर मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी माँ ही है, मैं सब कुछ उन्हीं से पूछ के करता हूँ, पर आपको तो पता है कि वो शादी में शामिल नहीं होना चाहती, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शादी में क्या पहनूं। क्या आप मेरी शेरवानी सेलेक्ट करने में मदद कर सकते हैं? तो ये है कंफ्यूजन, ठीक है, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सर। दादी मां अब प्लान तो समझ गई है ना, अब जाके आयुष्मान की मदद कीजिए। आओ आयुष्मान, तुम्हारे लिए शेरवानी चुनते हैं। ये देखो आयुष्मान, ये काफी अच्छा लगेगा तुम्हारे पे। नहीं? ये भी बढ़िया है। कलर नहीं अच्छा है,
पर ये काफी हैवी नहीं है? शेरवानी हल्की नहीं होती। अगर शेरवानियां हल्की होगी तो दूल्हा वजनदार कैसे लगेगा सबके सामने? आयुष्मान, ये ना, ये परफेक्ट है, इसे लॉक कर दो, शादी में तुम यही पहनना। दादी माँ, आपको क्या लगता है, शादी में ये शेरवानी पहननी चाहिए क्या? अच्छी है, अच्छी है, पर ये रंग तुम पे नहीं जच रहा है, बिल्कुल नहीं जच रहा है। वो क्या है ना भवानी जी, आप पुराने जमाने की है। मैं कह रहा हूँ ना आयुष्मान, इससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं। पर सर, शादी तो एक ही बार होती है, तो मैं सोच रहा था थोड़े और ऑप्शंस देख लेता, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाता। हाँ, और ऑप्शंस देख लो ना, शायद इससे भी ज्यादा कोई पसंद आ जाए। हाँ, तुम चाहो तो कर लो, बट इससे बेटर और कोई ऑप्शन है नहीं। काव्या जी कहाँ हैं? मैंने पूछा काव्या जी कहाँ हैं भवानी जी? कौन? काव्या? हाँ काव्या। वो बाथरूम गई है। कुछ तो गड़बड़ है। दिमाग पर जोर डालो काव्या, और सोचो कि कुनाल पेपर्स और कहां रख सकता है। और आप लोग दोनों जाइए, जाकर काव्या जी को ढूंढकर लेकर आइए मेरे सामने। ठीक है। और तुम सब, तुम लोग दरवाजे पर जाकर नजर रखो। आखिर काव्या जी इस हवेली से गायब कहां हो सकती है? अब तो आपको सच बताना ही पड़ेगा। हमने तो पहले ही बता दिया कि वो बाथरूम में है। नहीं, हमने तो सारे बाथरूम चेक किए, वो किसी बाथरूम में नहीं थी। शायद आपने ठीक से देखा नहीं। आपको क्या लगा, आप इतनी आसानी से मेरी आंखों में धूल झोंक देंगी? आप मेरे कमरे में थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने शादी के प्लान में एक ट्विस्ट ऐड किया है। अब आपकी और आयुष्मान की शादी अगले 2 दिनों में नहीं होगी, बल्कि आज ही होगी, और वो भी 2 घंटे में। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए, और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।